हेलो हैप्पी डॉग फैमिली, मैं हूं आपका होस्ट और क्रिएटर ऑफ दिस चैनल हैप्पी डॉग अहमदाबाद। आज हमारे साथ है अहमदाबाद के बहुत ही जाने माने और सीनियर मोस्ट वेटरनरी डॉक्टर डॉक्टर किशोर भाई त्रासदिया। एक डॉक्टर साहब 1992 से अहमदाबाद में वेटरनरी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ही इज़ अ वेरी फेमस वेटरनरी डॉक्टर इन अहमदाबाद। साहब ने कुछ 19 कंट्रीज़ के अंदर अलग अलग वेटरनर एक्सपर्ट्स के साथ वर्कशॉप अटेंड किए हुए हैं और 2018 में डॉक्टर साहब को ऑल इंडिया बेस पे द बेस्ट वेटरनर प्रैक्टिशनर डॉक्टर का अवॉर्ड मिला है। आज डॉक्टर साहब को अप्रोच किया, साहब को रिक्वेस्ट किया कि सर आप हमारे दर्शकों को, पेट ओनर्स को, डॉग लवर्स को, स्पेशली सर समर शुरू हो रहा है तो समर के बारे में हाउ टू टेक केयर ऑफ डॉग्स, अपने डॉग्स का, अपने पेट्स का समर की सीज़न में हॉट समर के अंदर क्या ध्यान रखा जाए, क्या ख्याल रखा जाए, क्या मेडिसिन काम लग सकती है, क्या एक्सपर्ट ओपिनियन है डॉक्टर साहब के, इस विषय पे आज का ये पूरा एपिसोड बनेगा। डॉक्टर साहब वेलकम टू हैप्पी डॉग फैमिली, ये एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब मैं ज़्यादा कुछ तो जो जानता था मैं आपको 2008 से जानता हूँ, पर सर आप कब से अहमदाबाद में प्रैक्टिस कर रहे हैं सर? हेलो डॉग लवर, मैं हूँ डॉक्टर किशोर त्रासदिया। मैं अहमदाबाद में 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और ख़ास करके पेट्स के लिए, डॉग्स, कैट, बर्ड्स और टॉर्टल्स, टर्टल, पी, गिनी पिग, रैबिट्स, ये मेरा सब पेशेंट होते हैं। जो मिनी पेट्स जिसको बोलते हैं वो सब जनरली मैं इसका प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके अहमदाबाद में कितने क्लिनिक है और क्लिनिक पर क्या क्या फैसिलिटीज़ है आपके तीनों क्लिनिक पर? हाँ मित्रों, अहमदाबाद में मेरा तीन जगह पे ये है, पेट शॉप है, क्लिनिक पर है, एक सैटेलाइट में जो डॉग हॉस्पिटल है जहाँ पे हम ऑपरेशन थिएटर भी फैसिलिटी है, एक्सरे फैसिलिटी है, अल्ट्रासाउंड है हमारे पास, ब्लड टेस्ट के लिए लेबोरेटरी है, जो ज़रूरी है वो सब हमारे पास। जो एक्सरे है वो भी एकदम डिजिटल है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, डीआर टेक्नोलॉजी, तो इसके हिसाब से सब इन हाउस यहाँ पे हो जाता है। किसी को कोई ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, किसी को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, कार्डियोलॉजी का कुछ है, तो ये सब इश्यू हमारे यहाँ सॉल्व हो जाता है कि हमारे पास कार्डियोग्राम भी है, पेशेंट मॉनिटर है, ऑक्सीजन है, सब फैसिलिटी यहाँ सैटेलाइट में अवेलेबल है। और ख़ास करके हमारा जो जोधपुर चार रास्ता सैटेलाइट पे पेट प्लस हॉस्पिटल है, वहाँ पे 24/7 सर्विस है। अगर रात को भी कोई भी इमरजेंसी हो तो दो डॉक्टर यहाँ पे नाइट में भी मिलते हैं, रेसिडेंसी हॉस्पिटल के अंदर दिया हुआ है, तो ये हमारा खास करके ये फैसिलिटी पूरा अहमदाबाद में। सर ये बड़ा यूनिक है, मैंने भी सुना हुआ है और मैंने भी दर्शकों, मैंने भी एक बार साहब की जो ये फैसिलिटी उन्होंने यहाँ मुहैया करवा के रखी हुई है, 24 आवर्स राउंड द क्लॉक आपको मेडिकल एड, मेडिकल सपोर्ट, वेटर डॉक्टर की हेल्प मिल जाती है, गाइडेंस मिल जाता है। सर मैं ये पूछना चाहूँगा, मेरे ख्याल से गुजरात में शायद 24/7 सेटअप पूरा इंडिया में नहीं है, आपके पास ही है? हाँ, पूरा सेटअप पूरा इंडिया में नहीं है कि दो डॉक्टर आपको नाइट में भी मिले, ये फक्त हमारे यहाँ ही है फैसिलिटी। और इसके अलावा दूसरी दो ब्रांच है हमारे, एक एलिस ब्रिज में है, एक आरटीओ सर्कल सुभाष ब्रिज, ये दोनों जगह पे क्लिनिकल वर्क होता है, पेट शॉप भी होता है, वैक्सीनेशन है, कंसल्टिंग, ये सब कुछ होता है, अपन सर्जरी वगैरह या स्पेशल कोई डीप इन्वेस्टिगेशन है तो उनके लिए सैटेलाइट गोल्डकोट में आना पड़ता है। डॉक्टर साहब के बारे में एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब KCI अहमदाबाद चैप्टर के फाउंडर वेटरनरी डॉक्टर भी है, KCI पैनल के वेटरनरी डॉक्टर है और मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ, काफ़ी समय हो गया मेरे, काफ़ी डॉग्स की ट्रीटमेंट साहब ने की हुई है। मित्रों आज का ये जो एपिसोड मैंने इनिशियल आपको पहले बताया कि ये एपिसोड है कि भाई समर के अंदर हम सब डॉग लवर्स हैं, हम सब डॉग ओनर्स हैं, तो समर के अंदर डॉग्स के अंदर स्पेशली क्या क्या हो सकता है, क्या क्या बीमारी आ सकती है, या तो क्या क्या डॉग के साथ समर के हिसाब से डॉग के ऊपर क्या असर पड़ता है, उस बारे में कुछ डॉक्टर साहब से जानने का प्रयास करेंगे।
और उसके बाद डॉक्टर साहब से ही जानने का प्रयास ये करेंगे कि उस बात उस चीज़ों का उस डिसीज का या तो उस सब्जेक्ट का इलाज क्या हो सकता है, तो शुरू डॉक्टर साहब से करेंगे। डॉक्टर साहब, जनरली समर के अंदर डॉग्स को क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ती है? सबसे ज़्यादा अगर परेशानी है, सबसे बड़ी तो है हीट स्ट्रोक। हाँ, ये समर के अंदर हीट स्ट्रोक बहुत कॉमन है और बहुत सारे केसेस आते हैं, खास करके जो डॉग ज़्यादातर एयर कंडीशन में रहते हैं, इंडोर रखते हैं, उनके लिए तो एक बहुत कॉमन है हीट स्ट्रोक का। और हीट स्ट्रोक के जब होता है तब हाई फीवर हो जाता है, कभी नोज ब्लीडिंग भी होता है, यानी वो होने का जो मेन रीज़न है वो सडन चेंज ऑफ एटमोसफियर के हिसाब से है। तो मित्रों, ये हीट स्ट्रोक रोकने के लिए क्या करना चाहिए, तो उसके बारे में मैं थोड़ा दो चीज बता दूँ आपको कि जब भी आप एसी में एयर कंडीशन में आपका पेट्स को रखते हो और शाम को 4-5 बजे आप जैसे उनको के एसी बंद करते हो या बाहर निकलते हो, तो उसी समय कई लोग क्या है यूरिन के लिए वगैरह जो बेचते हैं ना, तो इमीडिएट गेट खोल के दौड़ता है पेट्स, तो जो एसी में से ठंडी हवा में से सीधा बाहर धूप में जो दौड़ेगा या यूरिन करने के लिए जाएगा, तो ये सडन चेंज ऑफ एटमोसफियर के हिसाब से उनका जो टेम्परेचर रेगुलेटरी सिस्टम है ब्रेन में वो डिस्टर्ब हो जाता है और उसके हिसाब से ये हीट स्ट्रोक लगता है। तो मित्रों, इसके लिए मैं आप मेरा सजेशन वही है कि जब भी आप एसी में पेट्स को रखते हो तो आधा घंटे पहले एसी बंद कर दीजिए, थोड़ी देर फैन में रखिए, उसके बाद नॉर्मल टेम्परेचर में आने के बाद ही आप बाहर ले जाइए। सडनली टेम्परेचर चेंज हो ऐसा 20-22 डिग्री टेम्परेचर से सीधा आप 40 डिग्री में ले जाएंगे ना, तो उनका जो ये सिस्टम है थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम वो डिस्टर्ब हो जाता है और हीटस्ट्रोक लग जाएगा। सर, अब हीटस्ट्रोक और नोज ब्लीडिंग में अब जो डॉग एसी में नहीं रहते हैं, या तो जो डॉग एसी में नहीं रहते या तो जो पेट्स एसी में नहीं है, क्या उनको भी हीट स्ट्रोक और नोज ब्लीडिंग हो सकता है ना? उनको भी, खास करके बाहर से अगर गर्म हवा आई और वो हवा गर्म हवा जिसको हमें लू बोलते हैं, वो लू लगने के हिसाब से हीट स्ट्रोक होता है। हीट स्ट्रोक सबके अंदर होता है, पर पेट्स में सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि इन हाउस रहते हैं, बाकी लार्ज एनिमल में भी हीट स्ट्रोक होता है, सीधे धूप आने से होता है। उसका कोई भी हिसाब से जब ये थर्मो सिस्टम उसका डिस्टर्ब होगा तभी ये हीट स्ट्रोक लगेगा। तो मैं सबके लिए एक खास सलाह है कि जब भी आप कूलर में रखते हो या फैन के नीचे रख कहीं भी रखते हो, तो गर्मी धूप में मत ले जाओ बाहर, या ठंडी जगह पर ले जाओ, या सडन चेंज ऑफ एटमोसफियर ना हो उसका खास ध्यान रखो। ओके, अच्छा डॉक्टर साहब, हीट स्ट्रोक और नोज ब्लीडिंग ये जो ज़्यादातर देखने वाली समस्या है गर्मियों में, कोई स्पेसिफिक ऐसी ब्रीड के स्मॉल ब्रीड में ज़्यादा होता है या लार्ज ब्रीड में ज़्यादा होता है, ऐसा कुछ आपका ऑब्जर्वेशन है ऐसा कुछ? खास करके स्मॉल ब्रीड में तो सबसे ज़्यादा दिखता है क्योंकि हेयर वाले भी डॉग होते हैं उनका, तो उसके हिसाब से भी है। दूसरा पग वगैरह जो ब्रीड है जिसको ब्रेकिसेफेलस ब्रीड बोलते हैं, जिसका नोज वगैरह है ना थोड़ा छोटा होता है, तो उनको थोड़ा ज़्यादा गर्मी में परेशानी रहती है, उनका रेस्पिरेशन बढ़ जाता है। आप देखेंगे तो कुछ भी नहीं होता, इतना सारा श्वास लेके वो अपने आप को मैनेज करते हैं ना, तो उन लोगों को ज़्यादा इफेक्ट होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि भाई भगवान करे किसी जानवर के साथ ऐसा नहीं हो, पर अगर कोई डॉग को हीट स्ट्रोक आता है या तो नोज ब्लीडिंग शुरू हो रही है या तो हो गई है, और ऐसी कंडीशन के अंदर सर आप क्या एडवाइस करेंगे डॉग पेरेंट्स को कि वो स्पेशली इन समर कौन सी ऐसी कोई मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन जब तक वो वेटरनर के पास नहीं पहुंचते हैं तब तक वो अपने घर में कौन सी मेडिसिन मुहैया रखे हमेशा, जिससे अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो वो प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व हो जाए? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, मैं इसके लिए आपको सब पेट लवर्स के यही बोलना चाहता हूँ कि आप जब भी मतलब हीट स्ट्रोक आया आपको लगे गिर गया है, एकदम बुखार आ गया है, ध्रुजने लगा, थोड़ा सीयरिंग होता है, तो ऐसे टाइम पे डॉग को पहले आपको मालूम पड़ जाएगा, हमेशा टच करके, ईयर का टच करके उसका ये श्वास का रेस्पिरेशन चेक के आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसको धूप गर्मी लग गई है, उसमें फीवर है, गर्म बॉडी दिखेगा, उसी समय आप इमीडिएट उसको पानी से नहला दीजिए ठंडा पानी से, और ज़्यादा अगर हाई फीवर है तो बर्फ़ का पानी से भी नहलाइए, एक टुवाल रखिए पूरा भिना करके ऊपर बॉडी पे और उसके ऊपर ठंडा पानी डालते रहो,
और उसका बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करो। दूसरा, इमीडिएट आप वेटनरी डॉक्टर का कांटेक्ट भी करिए। और थर्ड स्टेज यही है कि आप घर में ORS ग्लूकोज या इलेक्ट्रोल रखिए कि जिसके से इमीडिएटली आप ये दे सकते हो। अगर आपके घर में ग्लूकोज या ORS नहीं है तो आप सादा पानी के अंदर एक चम्मच नमक, दो चम्मच चीनी डाल के उसका ये जूस बना के भी आप दे सकते हो। अच्छा। तो वो भी एक ORS जैसा ही काम करेगा जब तक डॉक्टर साहब आपको नहीं मिले तब तक। और दूसरा, नोज ब्लीडिंग वगैरह है तो उसके लिए आप है ना बर्फ़ का क्यूब है उसका नाक पे ऊपर, ये फोरहेड, कपाल पे ऊपर, आँख के ऊपर, सब जगह पे घिसिए और एकदम चिल वाटर ऊपर से पोर करिए। इसके हिसाब से ब्लीडिंग रुक जाएगा। अच्छा सर, एक सवाल एक ऐसा है कि मैंने सुना है कि समर के अंदर काफ़ी लोग जो लॉन्ग हेयर ब्रीड होती है या तो जो स्मॉल ब्रीड में भी काफ़ी डॉग्स ऐसे होते हैं कि जिनके बाल लंबे होते हैं, उनका ग्रूमिंग करवा के जीरो कट, एक नंबर कट करवा देते, तो क्या ये इससे कुछ फ़ायदा होता है जानवर को? नहीं नहीं, ऐसा कुछ फ़ायदा नहीं होता है। पर कई बात के लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई उसका बाल के हिसाब से उसको ज़्यादा गर्मी लगी, पर ऐसा कुछ है नहीं। हो सकता है बाल के हिसाब से उनको स्टॉक में कभी रुकावट भी आ सकती है कि सडन जब आप ठंडे में से गर्म में ले जाते हो तो सीधा धूप ऊपर नहीं आएगा, तो उसके हेयर के हिसाब से थोड़ा स्किन पर टच नहीं होगा, उसको थोड़ा ये सपोर्ट करेगा, प्रोटेक्ट करेगा स्किन को। तो ऐसा है कि ऐसा कुछ नहीं है कि हेयर के हिसाब से जरूरी नहीं है कि कोई ग्रूमिंग, हेयर कट जरूरी है, छोटे करवा दो बाल, नहीं बाल कम करने से ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर हाँ, ग्रूमिंग एक जरूरी चीज है इसलिए कि धूप के अंदर है ना ज्यादातर टिक्स पड़ जाते हैं, जमीन वगैरह गर्म होती है तो इसमें टिक्स वगैरह होता है, तो ये टिक्स बॉडी पे चढ़ जाते हैं, इसके हिसाब से है ना बार बार उसका ये बॉडी में टिक्स का प्रॉब्लम अगर आपको जल्दी सॉल्व करना है तो इसके लिए कम हेयर होना जरूरी है। तो छोटे छोटे बालों को आप पकड़ सकते हो, उसको टिक्स को आप निकाल सकते हो, इसके लिए फायदा है। अच्छा डॉक्टर साहब, गर्मियों में क्या डॉग का जो डाइट प्लान है डेली का वो एज इट इज़ रखना चाहिए या तो उसमें कोई बदलाव वेटरनरी डॉक्टर रेकमेंड करते हैं या तो आप रेकमेंड करेंगे कि भाई आप जो भाई गर्मी बढ़ रही है अभी अहमदाबाद का 40-41 चल रहा है तो जो डॉग अपने रेगुलर डाइट प्लान पर है उसमें कोई बदलाव होना चाहिए या करना चाहिए, वो फ़ायदेमंद रहता है कि फिर रेगुलर डाइट प्लान ही चालू रखना चाहिए? मैं मित्रों आपको ये सजेस्ट करूँगा खास करके कि अगर गर्मी की सीज़न है ना तो जैसे इसको बॉडी में ज़्यादा गर्म पड़े ऐसी चीज़ मत दो। सपोज अगर अंडा वगैरह देते तो वो थोड़ा कम कर दीजिए, नॉन वेज थोड़ा कम कर दीजिए, उसकी जगह पर चावल है वगैरह थोड़ा दे दीजिए। और सेकंड ये कि आप ज़्यादातर पानी दे दीजिए, अनलिमिटेड जितना पानी पियो इतना पी ले दो। अगर नहीं पियो तो कुछ लिक्विड वगैरह आप दे सकते हो, सूप दे सकते हो, जूस दे सकते हो फ्रूट का। और कई बार आप इस सूप में कुछ ORS जैसा ऐड भी कर सकते हो, छाछ बटर मिल्क भी दे सकते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा ज़्यादातर लिक्विड दो ताकि सनस्ट्रोक भी नहीं लगेगा और बॉडी रिहाइड्रेट रहेगी। ओके सर, ये तो पेट डॉग्स की बात हो गई। अगर सर गर्मी तो सबको हैरान करती है, अगर सर स्ट्रीट डॉग कोई हम देखते हैं कि स्ट्रीट डॉग को भी ये तकलीफ़ होती है तो सर स्ट्रीट डॉग को अगर ऐसा कुछ हिट स्ट्रोक या तो नोज ब्लीडिंग जैसा कुछ प्रॉब्लम हमें दिखता है सोसाइटी में या तो हमारे मोहल्ले में या तो आजू बाजू में, तो सर जो आपने बताया उसी तरह से ठंडे पानी से नहलाना और वही करना चाहिए? हाँ वही, स्ट्रीट डॉग में भी अभी आपको कहीं सनस्ट्रोक दिखे ऐसा केस कि तड़पता है, उसको बुखार है, हांफरा है, बहुत सारा उसका ये सेयरिंग है बॉडी का, तो समझो उनको भी स्ट्रोक है, उसका फीवर बहुत हाई हो गया। इसी समय आप इमीडिएटली उसको ठंडा पानी ऊपर डाल दीजिए, ठंडी पानी बॉटल से या कोई कपड़ा रखिए उसका ठंडे बॉटल में रखो, ये ऊपर पानी डाल के, तो वो उसका भी स्ट्रोक का टेम्परेचर है डाउन हो जाएगा और अच्छा रहेगा। तो सर समर में आइडियली अगर कोई बंदा अपने डॉग को रोज बाथ देना चाहे तो क्या ये इट इज़ ओके? अरे आप अगर चाहते हो कि रोज़ बाथ देना है तो सिंपल वाटर से दे सकते हो, कोई केमिकल या शैम्पू वगैरह मत यूज़ करो। शैम्पू वगैरह यूज़ करना है तो हफ्ते में एक बार करो, बाकी रूटीन आप पानी से वो नहला सकते हो, ऐसा कोई क्लीन करने में दिक्कत नहीं है। पर ज़्यादातर ये एटमोसफियर देख के करने करो, दोपहर में करो या थोड़ा सा ठंडी के टाइम पे नहीं करो, बाकी चलेगा। हाँ दोपहर के समय पे तो कर सकते हो, आइडियल रहता है, अगर कोई करना चाहते तो कर सकते हैं। उसके बाद फिर ग्रूमिंग कर लेना है, खास करके ऐसा बिना मत छोड़ दो उसको, अगर बिना कर दिया तो थोड़ा टुवाल से ट्राई करके फिर उसको कंघी वगैरह करनी चाहिए।
वो अच्छा रहता है। अच्छा सर, एक एक सवाल ऐसा है, थोड़ा अजीब है। हम ऐसा बोलते हैं कि भाई आप लोग भी हंस लेना, कि गुजरात स्पेशली गुजराती में हम लोग ऐसा बोलते हैं कि जब होली सामने होती है तो पप्पी परचेज नहीं करना चाहिए। ये बहुत सालों से बहुत सुनते आए हैं, पप्पी परचेज मत करो। और दूसरा एक है कि जो बच्चे होली देख लेते हैं वो जिंदा रह जाते। तो उसी से एक जुड़ा हुआ छोटा सा सवाल है डॉक्टर साहब कि सर समर के अंदर क्या हमें पप्पी परचेज करना चाहिए? हाँ, मैं एक्चुअली आपको ये बताना चाहता हूँ कि जनरली क्यों लोग ऐसा बोलते हैं और कहावत बन गई है। हाँ। उसका रीज़न एक है कि होली हमेशा मार्च में आती है और मार्च के अंदर धूप रहता है। हाँ। उसके पहले थोड़ा ठंडी का सीज़न होता है, तो ठंडी से गर्मी जैसे टेम्परेचर चेंज होता है ना, तो उसके हिसाब से तब बीमारी का प्रमाण ज़्यादा होता है। हाँ। दूसरा ये होता है, इन लोगों की ब्रीडिंग सीजन है ना, तो जनरली सेप्टेम्बर में होती है या सितंबर अक्टूबर में। तो तभी जब भी मेटिंग हुआ होता है ना कोई भी, जिसे अपने गुजराती में बोलते हैं भादरवे की सीजन होती है उनकी। हाँ। तो वो सीजन के अंदर सबसे ज़्यादा मेटिंग होता है। उनका पप्पी जो है ना 2 महीने के बाद आता है डिलीवरी का। हाँ। तो उसी समय वो दिसंबर जनवरी में सबसे ज़्यादा पप्पी होते हैं, और वो पप्पी का 1 महीने के आसपास की मदर का फीडिंग छोड़ते हैं ना, तो 1 महीने की उम्र फेब्रुआरी मार्च के एंड में आ जाती है। अरे फेब्रुआरी एंड में या मार्च के फर्स्ट दो वीक में उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा पप्पी होते हैं मार्केट में, और उसी समय ज़्यादा बीमारी फैलने का भी चांस रहता है। एक को हो गया तो ज़्यादा पप्पी जो नॉन वैक्सीनेटेड है तो सबको हो जाता है। इसलिए मोर्टालिटी रेट ज़्यादा होने के हिसाब से लोग बोलते हैं कि धुलेटी पहले मत लो, पर एक्चुअली धुलेटी पहले ही ज़्यादा पप्पी होते हैं और लोग भी ज़्यादा लेते हैं। तो उसी समय मार्केट लेना चाहिए, लेकिन उसका है ना टाइमली वैक्सीनेशन कर देना चाहिए। सब कोई भी पप्पी लिया तो आप इमीजिएटली कोई भी वेटनरी डॉक्टर का कॉन्टेक्ट कर लीजिए, उनका सब राय ले लीजिए, और उसका डीवर्मिंग है, वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन का शेड्यूल समझ लीजिए। और एक दिन 100 डे आप ध्यान रखेंगे ना कोई भी पपी का, मैं नहीं मानता कि 100 डे के बाद कोई पपी का ये मोर्टालिटी होता है। Okay. ज़्यादातर 80% ये पपी में के अंदर ये 3 महीने का जब हो जाता है 100 डे के अंदर ही उसको एक आध बार डायरिया वॉमिटिंग वगैरह कुछ होने का चांस रहता है। और उसी समय मेजर रीज़न वही है, एक तो उम्र छोटी है। हाँ। 3 महीने तक उसका इंटेस्टाइन ही फुली डेवलप नहीं होता है, और अपना क्या नया जो लोग घर पर लेके आते हैं ना, जो हम लोग उमन में घर में जो भी, तो सब लोग दिया करते हैं उनको पेट्स को, जो हजम नहीं कर पाते या उनका इंटेस्टाइन में सेट नहीं होता है, उसके हिसाब से वोमिटिंग डायरिया बहुत कॉमन है बिलो 100 डेज। और 80% पप्पी को जाड़ा उल्टी होता है। अच्छा। इसमें से 50% बच जाते हैं, 50% मर जाते हैं। तो बच वही जाते हैं जो रेगुलर वैक्सीनेशन करवाते हैं या उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। दर्शक मित्रों, डॉक्टर साहब पेट प्लस के नाम से वेटरनर हॉस्पिटल क्लिनिक और पेट शॉप की चला रहे हैं अहमदाबाद में। 3 लोकेशन पे डॉक्टर साहब ने बताया, उस हिसाब से उनके 3 जगह पे क्लिनिक्स है, ये जोधपुर 4 रास्ता RTO और 1 सुभाष ब्रिज। सारी डिटेल डॉक्टर साहब के कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट में एक छोटा सा सवाल है, उसके बाद भी एक सवाल है। सर क्या आप होम विजिट करते हैं? हाँ जी, हमारे यहाँ होम विजिट भी होती है, हमारे डॉक्टर भी होम विजिट में जाते हैं। इमरजेंसी है या कोई क्रिटिकल केस है तो मैं भी जाता हूँ। अच्छा, आप खुद भी जाते हैं? हाँ, खुद भी। ठीक है मित्रों, छोटा सा एपिसोड, होप आई होप कि आपको ये पसंद आएगा और कुछ जानने को मिलेगा। और लास्ट में हम डॉक्टर साहब से ही पूछते, डॉक्टर साहब ये स्पेशल एपिसोड समर के ऊपर था कि समर में कैसे डॉग की केयर की जा सकती है और क्या प्रॉब्लम आती है, उनके सॉल्यूशंस क्या है। सर इन जनरल आप डॉग ओनर्स को, पेट ओनर्स को रिलेटेड टू समर कुछ टिप्स या कुछ एडवाइस देना चाहेंगे? सर मैं तो जनरली आप पेट ओनर्स को ही बोलता था कि उसको जब आप बाहर घुमाने ले जाते हैं अर्ली मॉर्निंग ले जाइए, 6 बजे के आसपास, जब बिल्कुल ठंडा एटमोसफियर हो, और रात के टाइम पे आप 8-9 बजे के बाद ही निकालो ज़्यादातर बार। 8-9 बजे कहीं ना टॉयलेट बाथरूम के लिए ठीक है 2-5 मिनट के, पर जिसका भी 15-20 मिनट चलाना होता है या 30 मिनट उसको जिसको वॉकिंग के प्रैक्टिस करनी है या वॉकिंग करवाना होता है, तो आप जनरली लेट नाइट ले जाओ तो अच्छा रहेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का एपिसोड आपको पसंद आएगा। आपके कमेंट्स और आपके सुझाव हमेशा चाहूँगा कि आप हमें लिख के भेजें, और यूं ही हमारा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय गुजरात।